स्वागत करते सारा ना पंजाबी सिलाई कढ़ाई चैनल ते। मेरे वालों सारा नूं प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्ते। अज असीं तुहानूं जानकारी देवांगे जिस तरह कि अपने कोल सलवारां हुंदियां ने, पुरानियां सलवारां हुंदियां ने, उहनां दे प्लाजो किस तरह तैयार करीदे ने उसदी जानकारी देवांगे। अपने कोल भी एक सलवार है, देखो तुसीं प्लेन स्किन कलर दी, इस विच आपां प्लाजो दी कटिंग करांगे। ये जी कटिंग होनी किस तरह होंगी है कि तुहाडे कमेंट आ रहे सी सानू इसकी कटिंग दसी जाए, इहदी तुहानू असीं सारी कटिंग की जानकारी देवांगे। तुसीं वीडियो शुरू तो लैके अंत तक ध्यान नाल देखना है, वीडियो लाइक ते शेयर जरूर करना, चैनल नू सबसक्राइब जरूर कर लिया करो ताकि जिहड़ी अपनी नवीं वीडियो ने उन्हें जानकारी तुहानू जल्द मिल सके। ये अपने कोल नाप आ प्लाजो दा, 35 इंच लंबाई तैयार आ, 14 इंच इसकी मूरी तैयार आ, 15.5 इंच पट तैयार आ, तो 14 इंच इसका आसन तैयार आ। पट इसका अपने गोल भी नापया 26 इंच अपना इसका गोल पट हैगा। गोल 26 अपने 5 इंच लूजिंग पाई है, यानी कि यह हो गया अपना 31 इंच, ये 31 इंच हो गया, 31 इंच का अद्ध करके अपना हो गया 15.5 इंच। 15.5 इंच आप पट पावे प्लाजो में, यह प्लाजो अपना हैवी नाप का गा। ये आप सलवार प्लाजो की कटिंग करने का तरीका दसांगे। सलवार नूं पहला अपने सारी नूं देड़ के प्रेस नाल सैट कर लिया। पहला असीं तुहानूं दिखा भी दिंदे हां, ये अपने कोल कुंदे ने, ये अपने कोल स्ट्रेट सलवार सीगी, स्ट्रेट सलवार है। जेकर तुहाडे कोल खुली सलवार है उसदे तुसीं आसानी नाल प्लाजो तैयार कर सकदे होंगे। ये अपने कोल 4 कुंदे ने, सारी नूं अपने बैल्ट अलग कर लिया, इसदे पौंचे जिहड़े अलग कर लिया, 2 कुंदे अपने ने, 2 कुंदे ने, उस तों बाद बैल्ट आ गया। बैल्ट विच्चों आपां जेब लावांगे, एक जेब लावांगे, उस तो बाद जिहड़े पौंचे ने इस विच आपां हेठां जोड़ पावांगे, यानी कि लैस ला के इसका डिजाइन बनावांगे। जोड़ पा के इन्हां जिहड़े जोड़ आउणगे उन्हां उपर आपां लैस लावांगे। पहला असीं तुहानूं कटिंग दस देंगे, पहला यानी कि जिहड़ा अपने कोल कुंदे ने इन्हां दी कटिंग करांगे। जिहड़ा आपां प्लाजो की कटिंग करांगे पेंट घाट का करांगे, अपनी इधरली होगी आसन वाली जगह, ये होगी मूरी वाली जगह। पहला जिहड़ी अपनी इधर पौंचियां वाली जगह की अपने कोल 4 कुंदे ने, इन्हां नूं इसे तरह ही चंगी तरह पहला सैट कर लेंगे। जिहड़ी अपनी आसन वाली जगह, इस जगह तो आपां ने लैनी है मूरी, इस जगह तो आपां मूरी लवांगे। जिहड़ी आपां प्लाजो की कटिंग करांगे, 4 जिहड़े अपने कोल कुंदे ने, 4 इकट्ठियां दी कटिंग करांगे। जेकर तुहाडे कोल पतला नाप आ तो तुसीं पहला फ्रंट कटिंग कर सकते हो, उस तो बाद जिहड़े 2 ने अपने कोल कुंदे उहनां विचों बैक कटिंग कर सकते हो। ये अपने कोल भारी प्लाजो इस करके ये आपां 4 कुंदियां दे विचों इकट्ठियां दी कटिंग करांगे। 4 कुंदियां दी पहला इन्हां नूं आपां चंगी तरह सैट कर लेंगे। ये तुसीं याद रखो, ये जिहड़ी अपनी सिलाई हैगी आ, जिहड़ी जगह ते अपने पौंचे कटिंग करे सी मूरी वाली जगह होगी, इस जगह तो अपने पौंचे अलग करे ने, असीं तुहानूं दिखा भी दिंदे हां। ये अपने कोल पहुंचे ने इस तरह, इस नाल अटैच सीगे, असीं सिलाई देड़ के अलग कर लेने। उस तो बाद हुण इस जगह नूं आपां उपरली साइड लैके जावांगे, यानी कि ये जिहड़ी जगह, इस जगह ते आपां ने इलास्टिक पाउणा गा, तुसीं नाला भी पा सकदे हो इलास्टिक भी। इस विच इस प्लाजो विच आपां नाला पावांगे, यानी कि नेफा बना के नाला पावांगे। जिहड़ी अपनियां सिलाइयां आउणगियां बाहरली साइड आउणगियां, जिहड़ी प्लाजो की बाहरली साइड होंदी, जिहड़ी जेबां वाली साइड होंदी, उस साइड सिलाइयां आउणगियां। पहला आपां नूं उपरले निशान लावांगे, जिहड़े अपने उपरले निशान लाउणे ने ये लावांगे 2 इंच दे। ये होगी अपनी इलास्टिक वाली जगह, इस विच आपां ढाल भी पावांगे। प्लाजो दे विच ढाल पाउण दा तरीका भी तुहानूं दस्सांगे असीं। इहदे ढाल पाउण नाल जिहड़ा अपना हैवी नाप हुंदा प्लाजो कदे भी खिच नहीं मारदा हैगा। उस तों बाद हुण पहला आपां लंबाई लवांगे, लंबाई अपने कोल हैगी 35.5 इंच, 35.5 इंच दे हिसाब नाल आपां कटिंग करांगे। इस निशान तों आपां ने लंबाई दा निशान लाउणा गा, यानी कि इस जगह ते अपनी लंबाई, इस जगह ते तैयार अपनी लंबाई आऊगी। इस जगह ते आपां पहला कपड़ा रखांगे, जिहड़ी अपनी आसन वालियां सिलाइयां ने पहला इसकी आपां कटिंग कर देंगे।
ये अपना ओपन हो गए सारे जोड़े कुंदे ने ओपन हो गए ने। उस तो बाद जो अपने को पहुँचे ने इन्हों आप इस जगह उपर सैट करा उस तो बाद कटिंग शुरू करा इस बनाने आसानी होजू कटिंग करने प्लाजो। इन्हों चारों अपने फोल्ड कर लिया। पहले चंगी तरह इन्हों आप सैट करा उस तो बाद ही आप कटिंग शुरू करा ताकि अपन कोई भी प्रॉब्लम ना आए कटिंग करने। चलो हम सुनो असं निशान ला के दिखाने इस जगह से अपने 35.5 इंच लंबाई है जी इस जगह उपर लवेंगे आप। ये अपना हेठला कपड़ा है फोल्डिंग लिए अंदर फोल्डिंग लिए। उस तो बाद ये अपना सारा कपड़ा अंदर फोल्डिंग लिए। उस तो बाद आप लावे उपरले निशान पहला उस तो बाद मूरी का निशान लावे। जोड़ा अपने उपरले निशान लाने ने ये लाने ने अपने को 14 इंच आसन तैयार आ। ये अपने को 13.5 इंच लावे। ये रीजन ये होंगे इसका क्योंकि अपने जोड़े आसन लेना हों रेब हों रेब हों इस जोड़ा अपना आसन ज़्यादा हो जाता गा इस करके इसमें आप 13.5 इंच लावे। ये जो आप इसकी सिलाई करा अपना आसन ये 14 इंच तैयार हो। जेकर इसमें आप ज़्यादा लंबा ले जावे तो अपना जोड़ा प्लाजो फसन की प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि उस तो बाद आ गया अपना पट का निशान। जोड़ा अपने पट का निशान लाना गा इसका अपने को पट है 15.5 इंच तैयार 15.5 इंच तैयार। इसमें आप 16 इंच से लावे अपने को 4 तेह ने। उस तो बाद जो ये निशान लावे ये आप लावे 2 इंच का। ये नाप भारी है जेकर नाप पतला तो यह निशान आप 1.5 इंच का लावे। इसमें आप 2 इंच का लावे। इस हिसाब न अपना घेर तैयार होगा। इधर देखो ये होगा सिलाई का घेर अपना इसका रह जूगा प्लाजो का 26.5 इंच यानी कि इसका घेर तैयार रह जूगा अपने को। हेठला अपना निशान ये है 14 इंच से ये 14 इंच लंबाई है। उस तो बाद ये भी अपना 14 इंच ही हो गया। ये दोनों निशानों पहले आप मिल आवेंगे। उस तो बाद आ जाती है इसकी ढाल की जी अपनी ढाल पानी होंगी है कि यानी कि ये फ्रंट के पावे। ये अपने को 2 फ्रंट ने 2 बैक ये अपने चारे पल कट्ठे धरे हुए ने। फ्रंट के ढाल पावे ये हैवी होने करके इस ढाल ये 2 इंच की पावे। ये तुम याद रखो भी अपने जोड़ा ये कन्नी अपनी बिल्कुल उस जगह पर नहीं लेके जानी। इसमें आप 2 इंच हटा के इस जगह पर अपने ढाल पानी है। ये अपनी हो गई ये जी आप ढाल पाने क्यों क्योंकि जोड़ा भारी नाप है अपने को प्लाजो जोड़े अपने भारी नाप के पेट ज़्यादा व्डे होंगे ने इस करके जी ढाल पाने इस अपनी सारी प्रॉब्लम का हल हो जाता। प्लाजो अपना अगे नहीं डिगता है ये सारी। ये अपनी होगी ढाल। उस तो बाद यह होगा अपना गलाई का निशान। उस तो बाद आप आवेंगे नीचे नीचे पहले आप लावे मूरी का निशान। मूरी अपने को 14 इंच तैयार। इसनों आप 15.5 से लावे 16 इंच से क्योंकि अपने चारे पल कट्ठे ने इस करके आप ज़्यादा ला रहे हैं। जेकर तुम कल 2 फ्रंट कट्टे ने वह आप सही 7 इंच के निशान लावे क्योंकि उसकी जी बैक होंगी आप बद लें ज़्यादा उस दबाव अपना आ जाता। ये अपने चार पल कट्ठे ने इस करके जोड़ा दबाव अपने इस अंदर ही लेना गा सारा। इस तरह आप फट्टी नाल शेप पावे। फट्टी नाल शेप पावे जोड़ा अपने निशान लाना गा थोड़ा जहा हटा के लावे।
इस जगह पर निशान लावांगे क्योंकि अपने ढाल इस जगह तो भी लेनी है। यह है अपने पौने 16 इंच का निशान, इस जगह तो अपने शेप लेनी है। इस तरह आप शेप पावे इसकी। उस तो बाद जो अपने निशान लाया इस जगह तो अपनी शेप पानी है। इस विच गलाई थोड़ी ज़्यादा फट्टी विच अपने गलाई थोड़ी जी घट पानी है क्योंकि ये भारी नाप अपने को। जेकर नाप पतला तुसी सारी गलाई पा सकते हो। इस तरह जेहड़े अपने निशान लग के तैयार ने, इन्हां निशाना उपर अपने कटिंग करनी है। हुण सब तो पहले तो अपने जेहड़ा उपर निशान लाया गा ये दो पल्लियां दे विच आपने ढाल पाई है। पहले दो पल्लियां दी कटिंग करांगे। ये आपां दो पल्लियां दी कटिंग करांगे। इस जगह पर ले जाके छड़ देंगे। उस तो बाद ये अपने हम चार पल्लियां दी कटिंग करनी है। ये अपनी बाहरली कटिंग होकर तैयार है। उस तो बाद अंदरली कटिंग होकर तैयार अपनी है। ये हम आप बाहरली कटिंग करांगे। जी पहले अपने अंदरली कटिंग करिए, उस तो बाद आप बाहरली कटिंग करांगे। जेडे अपने निशान लगे ने सिर्फ इन्हों के उपर। अपने प्लाजो की कटिंग होकर तैयार है। ਇਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋੜਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਉਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪਾਈਪਿੰਗ ਲਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਲੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਪ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਢਾਲ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਲੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਨਾਪ ਦਾ ਪਲਾਜੋ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਜੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਬੈਕ ਵਾਲੀ ਢਾਲ। ये फ्रंट हो गए दो, ये हो गई अपनी बैक। उस तो बाद इस विच आपां इक पावांगे मैनी। जिहड़ी मैनी पावांगे इस नाल जिहड़ी अपनी ये सिलाइयां ने कदे भी फटन की प्रॉब्लम नहीं आउंदी हैगी। मैनी पावांगे, जिहड़ी आपां मैनी की कटिंग करांगे वह सांझी करांगे। पहले अपने प्लाजो की कटिंग होकर तैयार आ गई। उस तो बाद जिहड़ा अपने कोल ये कपड़ा, इस विच आपां मैनी तैयार करांगे। मैनी आपां ने सांझी तैयार करनी है। इस विच अपने दो मैनियां की कटिंग करांगे। ये अपने कोल डबल कपड़ा, डबल कपड़ा इस विच अपने मैनी की कटिंग करनी है। जिहड़ी अपने मैनी की कटिंग करनी है ये भी रेव ही रेव कपड़ा होना चाहिए। उस विच अपने मैनी तैयार करनी होंगी है।
इस तरह की आप शेप बनावे। जी अपनी हेठली शेप रहन वाली आऊगी 7.5 इंच, 7.5 इंच उपर अपने बिल्कुल रेव करनी है। इस तरह इस बिच आप म्यानी तैयार करांगे। इहड़ी म्यानी आप इस जगह पर फिट करांगे, जो आप सिलाई करांगे प्लाजो की इस जगह पर म्यानी फिट करांगे। इस नाल अपने जो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, अपने बैठना या प्लाजो फटन की प्रॉब्लम नहीं आती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इस नाल इस म्यानी आप इस विच सैट करांगे। ये होगी अपने प्लाजो की कटिंग। जिहड़ा अपने को दूसरा कपड़ा, जिस तरह कि यह कपड़ा हो गया या यह कपड़ा हो गया, इस विच आप लावांगे जेबां। इस विचों जेबा लावांगे। जेबा लाने का निशान असीं तुहानूं पहलां भी दस्या होगा, पहलां जदों अपने प्लाजो की कटिंग करी है वीडियो पाई हुई है उन्हां विच इह तरीका दस्या होया वी उपर तों लैके 4.5 इंच ते आपां निशान लाउणा, जिहड़ा बार हुंदा उह 7 इंच दा हुंदा। इस तरीके नाल आपां इह निशान लावांगे। इह आपणे सलवार विचों प्लाजो की कटिंग करी हैगी, बहुत ही सौखे तरीके नाल। तुसीं कमेंट करके जरूर दस्सना तुहानूं इह वीडियो किवें लगी। धन्नवाद जी।